हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रत्ना बागरेजा। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउस अरस कुकिंग में। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गोंद और मेथी के लड्डू, जो कि सभी बीमारियों के दुश्मन है। मेथी का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम लड्डू बनाएंगे एक खास ट्रिक से, जिससे कि लड्डू बिल्कुल ही कड़वे नहीं बनेंगे। और ये ट्रिक शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कप मेथी, जो कि ग्राम में 200 ग्राम है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ करके पोंछ लिया है। सूखा खोपरा 50 ग्राम, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। बादाम को 100 ग्राम लिया है। 50 ग्राम का मैंने पाउडर बना लिया और 50 ग्राम का कटिंग कर लिया है। 100 ग्राम गोंद, एक कप देसी घी और 250 ग्राम है गुड़, जिसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन को गरम किया है। इसमें डालेंगे घी। घी मेल्ट हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ज्यादा गर्म घी नहीं चाहिए हमें। ज्यादा गर्म होगा तो गोंद बाहर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद डालते ही ऊपर आना चाहिए, इसके लिए परफेक्ट है गोंद। और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा स्लो कर देंगे। थोड़ा डालेंगे इसमें, एक साथ गोंद नहीं डालें। अगर गोंद अंदर से कच्चा रह जाता है तो दांत को चिपकता है, इसके लिए बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई कीजिए। हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। इसी तरह हम बाकी बचे हुए गोंद को भी निकाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इस तरह चलाते रहे, जिससे कि गोंद चारों तरफ से सिक जाए। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। सारे गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। जब तक ये ठंडा होता है, तब तक हम मेथी का पाउडर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और मैं मेथी को इसमें डाल रही हूँ और अब इसका पाउडर बनाएंगे। ये देखिए आप, पाउडर ना तो हमें ज्यादा बारीक चाहिए, ना ही हमें दरदरा चाहिए, बिल्कुल रोटी के आटे के जैसा पाउडर चाहिए। गेहूं की छलनी से छान लेते हैं, जिससे कि कोई पीस बड़ा होगा तो छलनी में रह जाएगा। अब इसको हम हटा देंगे। अब हम लेंगे एक पैन, इसको गरम करेंगे और इसमें डालेंगे घी। तलने के लिए जो घी लिया था वो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ये एक कप घी है। गोंद फ्राई करने के लिए जो हमने घी लिया था, ये बचा हुआ घी है। इसे हम कभी भी पराठे बनाते हैं तो यूज कर सकते हैं, इसे हम लड्डू में नहीं डालेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें जो कटिंग किया हुआ गुड़ है वो डाल देंगे। अब गुड़ को अच्छे से मैश कर लेंगे इसमें। घी हमें ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, नहीं तो गुड़ की चाशनी बन जाएगी। सिर्फ मेल्ट होना चाहिए घी। ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। घी को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, अगर घी ज्यादा गर्म होगा तो गुड़ की चाशनी बन जाएगी और हमारे लड्डू कड़क बन जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मेथी पाउडर। खोपरा
बादाम, बादाम कटिंग की हुई, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गोंद को थोड़ा क्रश करके डालेंगे आप, जो बड़े बड़े पीस है ना उसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। कितना अच्छे से गोंद फ्राई हुआ है देखिए। अब इसे भी हम लड्डू में डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। मेथी के लड्डू में थोड़ा घी एक्स्ट्रा ही चाहिए। अगर आप कम घी पसंद करते हैं तो घी की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं। इसी तरह हम सभी लड्डू को तैयार कर लेंगे। और प्रेगनेंसी के बाद तो इन लड्डुओं को खाना बहुत ही हेल्दी है। तो लीजिए, तैयार है हेल्दी मेथी के लड्डू। आपने देखा कि न तो हमने मेथी को दूध में भिगोया था, न ही हमने इसको सेका था। हमने ये लड्डू केवल 15 मिनट में तैयार किए हैं। इसकी खास टिप ये है कि मेथी का पाउडर बनाकर तुरंत ही इसके लड्डू बना लें और इसमें गुड़ कम नहीं डालें। और लड्डू बनने के बाद 3 से 4 दिन के बाद ही इन्हें खाएं, जिससे कि लड्डू आपको बिल्कुल ही कड़वे नहीं लगेंगे। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। मुझे इंतजार रहेगा आपके लाइक्स का। मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ।